नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मरथ दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। हर दिन कांग्रेस टूट रही है, हर दिन कांग्रेस बिखर रही है। आज गुजरात के हवाले खबर है कि गुजरात के कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता हार्दिक पटेल, जो पाटीदार वोट में बहुत जबरदस्त दखल रखते हैं, आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो हम आज हार्दिक पटेल का क्यों जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के सागर की रहली वो विधानसभा है जहां 8 बार के अजय योद्धा गोपाल कृष्ण भार्गव को हराने खुद हार्दिक पटेल यहां आए थे, लेकिन नाकाम हो गए। क्या कांग्रेस के जो लीडरान हैं, जो रहली से हैं, आज कहीं उनका मन उदास तो नहीं हो गया? इस तमाम खबर पे जिक्र करेंगे कि वो हार्दिक पटेल जो पाटीदार नेता है, जो पटेल नेता है, वो सागर क्यों आए थे और गोपाल भार्गव होने क्या अच्छे से याद। देखिए खास रिपोर्ट सागर एक्सप्रेस न्यूज। लेकिन अगर हम वो दो दाढ़ी वालों से नहीं डरते तो इन मामा से और ये छठन गोपाल से हम डरने वाले नहीं। गुजरात के फायर ब्रांड नेता पाटीदार पटेल नेता हार्दिक पटेल जब भाजपा में शामिल हुए तो हमें और आपको एक कहानी जरूर याद आ गई। यह हार्दिक पटेल मोदी के साथ एक नेता के पीछे और पड़े थे। इतिहास की तारीखें अगर पलटो तो वो नेता मध्य प्रदेश के खद्दावल नेता और 8 बार के विधायक गोपाल कृष्ण भार्गव हैं। हार्दिक पटेल जैसे नेता गोपाल भार्गव को हराने मध्य प्रदेश की धरती पर आए, रैली के गड़ाकोटा में आए और जबरदस्त सभा की, लेकिन कामयाब नहीं हुए। रैली के जांबाज कांग्रेस नेताओं ने तो उम्मीद पाल रखी थी कि जैसे ही हार्दिक पटेल आएंगे भार्गव जी निपट जाएंगे, लेकिन कहते हैं समय और वक्त बहुत बलवान होता है। भार्गव जी तो नहीं हारे, लेकिन आज उन्हें जो हराने आए थे वो खुद से हार गए, यानी हार्दिक पटेल जरूर हार गए। और गड़ाकोटा के कांग्रेस नेताओं के चेहरे और शक्ल बिगड़ गई। भगवान कसम, जब 2018 में हार्दिक पटेल गड़ाकोटा आए थे तो कुछ कांग्रेसियों की खुशी का तो ठिकाना नहीं था। जातिवाद की राजनीति करने वाले कुछ नेताओं के चेहरे ऐसे खिले थे कि बस उन्हें लग रहा था कि हार्दिक हमें जिताकर ही जाएंगे, लेकिन आज वक्त की तारीखों ने पांसा पलट दिया। हार्दिक खुद गड़ाकोटा की धरती पर आए थे, बोले थे कि दो दाढ़ी वाले नेता पूरे देश को परेशान करे हैं और एक दाढ़ी वाले नेता यहाँ बैठे हैं जिन्हें ठनठन गोपाल कहते हैं, वो हमारी सभा में बिगाड़ कर रहे थे, लेकिन हम किसी से डरने वाले नहीं। अगर हम वो दो दाढ़ी वालों से नहीं डरते तो इन मामा से और ये ठनठन गोपाल से हम डरने वाले नहीं। राम कसम, उनके इस डायलॉग पर कुछ कांग्रेसी नेताओं ने ऐसी बाहें चढ़ा ली थी कि बस आज तो हम धन्य हो जाएंगे और जीत जाएंगे। गोपाल भार्गव उसके बाद भी जीते और आज हार्दिक पटेल हार गए। कम से कम हार्दिक जैसे नेताओं को गोपाल भार्गव सदैव याद रहेंगे कि वो उन्हें हराने आए थे और आज खुद हार गए। बात सिर्फ इतनी है, कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का हो, अगर वह जनता के बीच जाते हैं, जनता के बीच प्रेम स्नेह मोहब्बत की बारिश करते हैं, तो वही जनता उनका हथियार होती है, वही जनता उनकी ताकत होती है। बात सिर्फ इतनी है, विकास का विजन न रखकर जातिवाद और नफरतों की बातें करोगे तो गड़ाकोटा रैली नहीं, कहीं भी नहीं जीत पाओ। आंसू दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, गड़ाकोटा। आपके शहर सागर में पहली बार मोबाइल ऐप के जरिए जेसीबी, क्रेन, हाइड्रा, पोकलैन इत्यादि मशीनें किराए पर उपलब्ध। प्रथम ग्राहकों को 1500 रुपए तक की छूट, तो देर किस बात की। मशीनें चाहिए तो पायरेंट ऐप पर आइए।